चोर गिरोह ने कई घरों के चटकाए ताले, शोर मचाने पर भागे, एक घर से लाखों की चोरी की। शिवपुरी जिले के पोहरी कस्बे में चोरों ने कई घरों पर धावा बोलते हुए ताले चटका दिए हैं। चोर गिरोह एक घर में लाखों की चोरी करने में कामयाब रहा। वहीं एक घर से चोर कुछ पैसा चुरा कर ले भागे और पोहरी कस्बे से एक बाइक भी चोरी की है। सूचना के बाद पोहरी पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। पोहरी कस्बे के बैरार रोड कॉलेज के सामने रहने वाले सोनेराम धाकड़ ने बताया कि बीती रात चोर उसके घर में घुसे थे और उसे दिखाई भी दिए थे। उसने चोरों को भागते हुए देखा है, लेकिन उसे गहरी नींद आ रही थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे कोई नशीला पदार्थ सूंघा दिया गया हो। चोरों ने उसी कमरे में रखी अलमारी से लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सुबह उठने के बाद देखा तो अलमारी में रखी 3 किलो चांदी, 4 तोला सोना और अलमारी में रखे 2,10,000 रुपए चोरी हो गए थे। चोर घर में ताला काटने वाली कट्टर भी छोड़ कर गए हैं, जिसे मौके पर पुलिस ने बरामद कर लिया। जानकारी के मुताबिक शनिवार रविवार के दरमियानी रात चोर गिरोह कोहरी कस्बे में खुलेआम घूम रहा था। चोर गिरोह ने टीवीएस शोरूम के कर्मचारी के घर में घुसकर 6,000 रुपए चोरी कर लिए है। वहीं चोरों ने वहटा वहटी क्षेत्र से कुकु शाख की बाइक भी चोरी की है। इसके अतिरिक्त चोरों ने धर्मेंद्र शुक्ला, मनीराम धाकड़, प्रदीप शाख, जल मंदिर के पुजारी आदि के घरों में घुसने का प्रयास किया था, लेकिन शोर मचाने के बाद चोर वहां से भाग गए। ऐसे में कई घरों में चोर ताले तोड़ने में कामयाब हो गए। बोहारी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मैं सोनेराम धाकड़ जलवासा से हूँ। अच्छा, तो आपके यहाँ ये चोरी हुई है, ये कोहरी में, तो कितना क्या नुकसान हो गया भाई साहब? मेरे यहाँ नुकसान हो गया है कि मेरी पूरी तो रकम रखी थी उसमें, 3-3.5-4 किलो के लगभग मेरी चांदी थी। वो 4 तोला मेरा सुनना था, उसमें हार थे, झुमकी थी और उसमें जो नतभेदा थे जो सुनने के होते हैं वो, और 2,10,000 रुपया मेरा नगद कैश था उसमें। तो ये कैसे, ये कितने बजे की घटना है लोगों? जी भाई साहब, मैं 2 बजे मैं उनको देख रहा था, मैं और मैं बिल्कुल सो रहा हूँ मैं, और मेरे सामने एक आदमी मेरे आगे खड़ा है, वो मैं देख रहा हूँ और मैं उसको मैं कह रहा हूँ कि भैया क्या कर रहे हो, और जब तक क्या चोरी पूरी नहीं, मैंने अलवारी खा ली। कुछ आपको सुंगा वगैरह दिया था, कुछ ऐसा लगा? मुझे 2 बजे मुझे कोई होश नहीं था, मैं ऐसा था, नींद में था, अपनी गहरी नींद में था। और आप उनसे बात भी कर रहे थे? मैं सवेरा था, मेरी मैसेज आई है सफाई करने के लिए, तो मैं उनसे कह रहा था, मैंने कहा अपन थोड़ा समय बाद सफाई करेंगे अपन, और भी तो आए। क्या इसकी सूचना आपने पुलिस को दे दी? पुलिस आई थी, पुलिस को दी, 100 नंबर पे फोन किया था। हम 2 आदमी थे, 2 आदमी को मैंने मौके पे देखा है, 2 आदमी भगते हुए, उनकी लंबी कैंची भी है, 2.5 फुट की कैंची भी उनको छोड़ के गए हैं वो जहाँ पे, और मेरी चाबियां रखी थी मेरी अलमारी से, वो मेरी चाबियों से मेरी अलमारी का ताला भी निकाला है। सफाई मेरे घर में सब चल रही है, पूरा सामान मेरा सफाई में लगा हुआ है। तो सफाई के समय हमने क्या है कि हमने कहा अंदर कौन आएगा, तो चाइमा भी सब ऐसे डली थी।